नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरके गाइड में। आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना YouTube वीडियो का SEO कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बल्कि आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ चेक करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको हम बताएंगे कि आप अपने YouTube वीडियो का SEO कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दोनों चीज़ बताएंगे, सबसे पहले SEO करना, दूसरी चीज़ आपको SEO चेक करना। तो गाइस, आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में चलना है। तो चलिए हम चलते हैं। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको YouTube ओपन कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब आपको क्या करना गाइस, आपको अपना चैनल पे जाना है, योर चैनल। चैनल पर आने के बाद मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है आपको। तो गाइस ये देख लीजिए, ये खुल चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट वाला वीडियो है, सबसे पहले इसका हम SEO चेक करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना, इस पर क्लिक करना है, आपको फिर से इस पर एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये प्ले होने लग रहा है, अब आपको कहीं से रोक देना है थोड़ी देर। सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर SEO स्कोर। तो दोस्तों, SEO स्कोर यहाँ पर 85 दिखा रहा है, यानी कि 85 दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, SEO करना अपने वीडियो का। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप SEO कैसे करेंगे जो आपका SEO स्कोर यहाँ पर 100 हो, 19 अबव हो। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पे चलना है। वीडियो में आने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको टाइटल देना है सिंगल, कोई सा भी दीजिए, आप सिंगल दीजिए, ताकि सर्च करने में वो सर्चेबल अच्छा हो। सर्च कर उसके बाद आपको क्या करना, ठीक आपको इसी टाइटल्स को कॉपी करना है। तो दोस्तों, कॉपी कर लेना है सबसे पहले आप इसे। कॉपी करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में इसे ही पेस्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये रहा दोस्तों, मैं इसमें पेस्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले से ही लिख रखा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है, आपको अच्छा थंबनेल देना है अपने वीडियो से रिलेटेड, जो मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है। प्लेलिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नो इट्स नॉट फॉर किड। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो बच्चे के लिए बनाए हैं, अगर आपका मोटिव है कि बच्चों को दिखाना, टारगेट करना, तो आप एस इट्स नॉट फॉर किड पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको एज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यस रेस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर ओवर 18 ईयर। तो दोस्तों, अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा है जो सिर्फ 18 वर्ष से अधिक का ही देख सकता है व्यूअर, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका वीडियो सबके लिए है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको नीचे आना है, आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, पेड प्रमोशन। तो दोस्तों, ये तब सिलेक्ट आप करेंगे जब आप किसी से पैसे लेकर आप अपनी वीडियो के अंदर आप किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तभी जाकर आप इसे टिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर मैंने कुछ टैग दिया हूँ। तो दोस्तों, ये टैग रहा, आपको यहाँ पर वही टैग देना है जो सर्चेबल टैग है। वो आप कैसे पता करेंगे, वो आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है, YouTube ओपन करना है गाइस। YouTube ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिख लेना है यहाँ पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे। जैसे आप यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारा कीवर्ड मिल गया देखने को। तो आपको क्या करना है, इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे और वहाँ पर दे देना है।
तो चलिए मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड आइडिया ले लेता हूँ। जैसे ये देख लीजिए कीवर्ड कैसे बढ़ाएं 2021, तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड और शामिल कर देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट फिर आइडिया ले लेना है कि कौन सा है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर। तो दोस्तों आपको ये लेना है। तो गाइस यहाँ पर भी ये रिलेटेड सर्च टर्म्स के यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, तो चलिए हम इसे ही यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ऐड कर लेंगे इसे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में स्टेप कम्प्लीटली बताने वाला है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। तो गाइस आपको क्या करना, सबसे पहले इस टैग को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी हो गया दोस्तों। कॉपी करने के बाद आप इस टैग को अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए मैं पेस्ट कर दिया हूँ। मैं दोस्तों अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसका SEO बढ़ा या नहीं। नीचे में आपको क्या करना है, कुछ हैश टैग लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हैश टैग पहले से ऑलरेडी लगा रखा हूँ। मैं यहाँ पर हैश टैग लगा रखा हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, हैश टैग भी सेम लगानी है। तो चलिए हम लगा देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देना है आपको हैश टैग। उनके सब्सक्राइबर, तो गाइस ये रहा, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर गाइस दो कीवर्ड दिखा रहा मुझे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं जो 50 नंबर पर रैंक कर रहा है, और दूसरा है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2021 84 नंबर पर ऐड कर रहा है। तो ये क्या है, मनोज दे। तो दोस्तों मनोज दे एक बिग यूट्यूबर बन चुका है। अब उसका चैनल का भी टैग आप डालते हैं तो वो भी रैंक करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज दे का वीडियो 20 नंबर पर रैंक कर रहा होगा, जो हमारे इस वीडियो की कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते। तो अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहां से अपना वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहां कैप्शन सर्टिफिकेशन में आप नाउन रहने देंगे। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लैंग्वेज को यूज करेंगे आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने वहाँ पर इंग्लिश में है तो मैंने इंग्लिश रख रखा हूँ, इंडियन। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट देना है। तो गाइस आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट देना है। रिकॉर्डिंग डेट देने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दे देता हूँ 21 को मैंने अपलोड किया था, पर यहाँ पर डेट नहीं दिए थे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू, यहाँ पर दोस्तों आप पहले देख सकते हैं कैटेगरी दिया गया। तो गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपका वीडियो किस कैटेगरी के अंदर आता है। अब आपको क्या करना, सबसे ऊपर जाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिया स्क्रीन। तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे इंडिया स्क्रीन पे। इंडिया स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट दिया गया है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वीडियो 1 सब्सक्राइबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वीडियोज 1 प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइबर, उसके बाद 1 वीडियो 1 प्लेलिस्ट और 1 सब्सक्राइबर। तो गाइज मैं अभी फ़िलहाल ये लगाने वाला हूँ इंपोर्ट फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इन्हें चेंज करने के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट रिसेंट अपलोड पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं मनपसंद लेने के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप दूसरा वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। जब आपका वीडियो यहाँ पर सेट हो जाता है कम्प्लीटली तो आप सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये सेव हो चुका है। यहाँ से आप आई कार्ड सेट कर सकते हैं। आई कार्ड का मतलब दोस्तों ये बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखे होंगे कि वीडियो में आपको बताते हैं कि हम वो वीडियो आई बटन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते होंगे कि मैं अपना एक वीडियो आई बटन में दे रखा हूँ, आप वहां से देख लेंगे। तो दोस्तों वो वीडियो यहीं से सेट होता है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वीडियो दिया गया है।
अपलोड करना है। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करके आपको यहाँ लाना है। यहाँ लाने के बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर आई बटन में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद आपको फिर यहाँ कार्ट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ पर तीन चीज़ ऐड कर सकते हैं। पहला है वीडियो ऐड कर सकते हैं आप आई बटन में, दूसरा प्लेलिस्ट, तीसरा चैनल। तो चलिए हम वीडियो ऐड करेंगे अभी, वो ले ली दोस्तों, मैं एक ये ले लेता हूँ। ये भी देख लीजिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये आ चुका है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल यहाँ पर तीन लगाया हूँ, अगर आप चाहते हैं लगाने के लिए तो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्लेलिस्ट लगा देता हूँ यहीं पर। प्लेलिस्ट लगाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज। मैं अभी EPF फुल गाइड लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लग चुका है। अब आपको क्या करना, सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली सेव हो चुका है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो की SEO क्या है। अब दोस्तों आपको क्या करना, इसे प्ले करना है फिर से। तो चलिए हम प्ले करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप। अब दोस्तों आप यहां पर गौर करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं SEO स्कोर दिया गया है 100%। और दोस्तों मैंने जो पहले वीडियो को, इसी वीडियो को दोस्तों, जब मैं पहले इस वीडियो को प्ले किए थे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था कितना, 85 यानी कि 85। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल सेम है, यूट्यूबर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर देख सकते हैं 85 है SEO। और उसके बाद मैंने फिर से इसी वीडियो में थोड़ी सी एडिट की, एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर SEO स्कोर दिखा रहा हूँ, तो 100% दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने वीडियो का SEO 100% कर सकते हैं। 100% SEO करने से फ़ायदा ये होते हैं दोस्तों कि नया यूट्यूबर जो भी होता है उसका वीडियो पहले तो रैंक नहीं होता है, अगर आपका कीवर्ड अच्छा हो तो पहले दिन में भी रैंक हो जाता है। मान लीजिए कि जो जिसका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, उसका जैसा भी वीडियो, चाहे उसका SEO 1% भी क्यों ना हो, उसका वायरल हो जाता है। पर नया यूट्यूबर्स का वीडियो वायरल होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए SEO 100% करना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में प्ले करते होंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में हम आपको वो भी बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को कैसे लाना है। तो दोस्तों तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलेंगे गाइज। प्ले स्टोर ये देख लीजिए खुल चुका है। खुलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ट्यूब। ट्यूब बडी डायल करके आपको करना सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ट्यूब बडी। तो आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अभी दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए इसको अनइंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप थ्री डॉट पे। क्लिक करने के बाद आप मोर टूल पे क्लिक करेंगे। मोर टूल पे क्लिक करने के बाद आपको करना है एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्यूब बडी। आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे और रिमूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आना है, वापस इसे रिफ्रेश करना है। तो दोस्तों आप क्या करना, सबसे पहले इस ट्यूब बडी को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको दोस्तों उसी ईमेल आईडी से इंस्टॉल करना है जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना ईमेल आईडी से यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब बडी विल बी इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस सून। तो आपको क्या करना, ओके करना है।
ओके कर दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आरके का आईडी, ये मेरा चैनल का है। तो आपको क्या करना है, फिर से वापस आना है और इसे रिफ्रेश करने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये गायब हो चुका है। आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन को आपको फिर से वापस यहाँ पर ऐड करना है। आपको लिखना है यहाँ पर ट्यूबडी एक्सटेंशन, तो ये देख लीजिए लिखा हुआ है ट्यूबडी एक्सटेंशन। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबडी एक्सटेंशन, आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इंस्टॉल फॉर फ्री। तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको एनालिटिक्स के लिए मिल जाता है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस कीवर्ड रिसर्च। तो दोस्तों यहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इंस्टॉल फ्री डॉ पे क्लिक कर लेना है आपको। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन के लिए खुल चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ऐड टू क्रोम। तो गाइस आप जो भी ब्राउजर वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप वहाँ पर क्या करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अपना ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, जिस ईमेल आईडी से मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी ईमेल आईडी पर इसको एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए ऐड टू क्रोम, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है ऐड टू क्रोम पे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐड एक्सटेंशन, तो गाइस आपको क्या करना ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों लिखा हुआ चेक इन, तो दोस्तों ये चेक कर रहा है, उसके बाद आप ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो दोस्तों आपको क्या करना इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पर ये खुल चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिए क्रिएट एंड अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है क्लिक द साइन इन बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। तो गाइस आपको अगर सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ साइन इन, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। साइन इन करने के लिए गाइस आपको करना यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर इसका प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड यूज को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है साइन इन विथ गूगल, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाता चुने ट्यूब बडी में जारी रखने के लिए। तो दोस्तों आपको उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, जिस ईमेल आईडी से आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं। तो चलिए हम ये देख लीजिए, मैं इस ईमेल आईडी को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के गाइड लाइसेंस स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक्सटेंशन के अंदर दिखाते हैं वो ये आया है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन में ट्यूब बडी आ चुका है, जो मैंने यहाँ से पहले रिमूव किया था। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है आपको। आप इसे रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो दोस्तों ये देख लीजिए रिफ्रेश करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है ट्यूब बडी साइन इन रिक्वायर क्लिक किया। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, देख लीजिए साइन इन विद यूट्यूब। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप फिर उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं वो ईमेल आईडी डाला, यहाँ पर तीन चैनल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं जिस चैनल की वीडियो का एसईओ एनालिटिक्स चेक करना चाहता हूँ उसी चैनल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल यहाँ पर आर के गाइड, फिलहाल क्या परमानेंटली आर के गाइड का ही एनालिटिक्स करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना जो भी चैनल को आप करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है दोस्तों, नीचे आने के बाद आप अलाउ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए कम्प्लीटली हो चुका है। तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए हम आपको एक वीडियो लेकर दिखाते हैं, जैसे ये देख लीजिए एक वीडियो ये बना रखा है संजीव कुमार जी। तो दोस्तों आप जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करके ओपन करेंगे। Looking for a tool to streamline community. ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि कितना व्यूज आ रहा है, कितना कमेंट्स है, कितना लाइक है ना डिसलाइक है, आपको यहाँ पर सारे चीज मिल जाएंगे।
अगर दोस्तों आप जिस जो भी वीडियो बनाए, आपका वीडियो का टाइटल जो भी है, अगर आप उसी टाइटल से वीडियो सर्च करके ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कीवर्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासियत ये है, इसकी अच्छे बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप कीवर्ड लगाना नहीं चाहते हैं तो आप दूसरे के कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके अपने टैग सेक्शन में पेस्ट कर देंगे तो आपका भी वीडियो बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।